हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सो आज मैं आप लोग को रांची धुरुआ का बंडा बाजार दिखाऊंगा, जिसे पोर्क मार्केट भी कहते हैं। सो जो जो मेरे चैनल पे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब देखते हैं रांची का बंडा बाजार। सो गाइस, आज पोर्क मीट ट्राई करते हैं, तो देखते हैं पोर्क मीट आप लोग को दिखाते हैं। पोर्क यानी सुअर का मीट है, मैं भी नहीं खाता हूँ, कभी कभी मैं ट्राई करूँगा। तो ये देखिए पीस है, कितना लीजिएगा? आधा किलो। तो ये देखिए यहाँ से कटवाते हैं, फिर चलते हैं। ये 300 रुपया किलो है पोर्क मीट यहाँ, तो यहाँ से कटवाते हैं फिर चलते हैं। भैया ले लिए हैं मीट, पोर्क मीट, अब चलते हैं इसे भुंजाने के लिए। चलिए, कहाँ पर ही जाइएगा? सो चलते हैं नीचे की ओर। देखिए सेक्टर सेक्टर बजा रहे हैं, हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ये देखिए इधर सब है, सो यहीं पर ही भुंजवाएंगे। देखिए सो इसे दे दिया गया है, और ये देखिए मिट्टी का चूल्हा है, कोयला का भी है, और वहाँ छिलका बन रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ मुफ्त रहता है। हाँ हाँ, बेटी वाला में सब कुछ रहता ही नहीं। नहीं बात सब लेना पड़ता था, तो इनके पास टमाटर प्याज प्याज किया हुआ है। ये देखिए पोर्क मीट निकाला जा रहा है इसे धोने के लिए, और बाल ऐसे ही रहेगा। उधर देखिए छिलका बन रहा है, आंटी छिलका बना रही है। कैसे पीस दे रहा है छिलका? 5 रुपये पीस छिलका है। अब बनाने का कैसे ले रहे हैं अभी? ए भूंजने का कितना ले रहे हैं? 2.5 किलो, आधा किलो 60 रुपये। अरे 1 किलो 120। 120। तो देखिए इस आग में लगाया गया है उसका बाल हटाने के लिए। सो चलिए अब दिखाते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है आप लोगों को मैं दिखाता जाऊंगा। सो इसे छोटा छोटा पीस काट लिया जा रहा है पोर्क मीट को। ये देखिए, तो देखिए अगल बगल ऐसे सीन, सभी अपने अपने टाइम पास कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बाजार का। सो ये देखिए उधर रोड है, और साइड देखिए रोड है इधर से हम लोग आए हैं, और इधर हम लोग भुंजवाने के लिए रुके हैं। तो गाइस देखिए मीट को धो दिया गया है, पोर्क मीट को। ये देखिए, तो गाइस देखिए यहाँ पर तेल डाला जा रहा है, कढ़ाई गर्म हो गया, पूरा धुआं छोड़ रहा है, तो कोयला का है देखिए चूल्हा। ये देखिए अभी गर्म हो जाएगा, तो फिर इससे इसमें प्याज सब जाएगा। ये देखिए ये पानी में चला गया है पीस, चमड़ी पीस, अब इसे साफ किया जाएगा। ये देखिए ऊपर का जो ब्लैक था पूरा हट जा रहा है, इसे अच्छी तरह साफ किया जाएगा, फिर इसे थोड़ा सा काट दिया जाएगा, फिर पीस के साथ बनाया जाएगा फिर। तो देखिए साफ करने के बाद इसे काटा जा रहा है, ये देखिए चमड़ा पीस को, और पीस के साथ मिलाया दिया गया। अरे पूरा तेल गर्म हो गया है, देखिए अब इसमें जाएगा मिर्च, सूखा मिर्च, ये तेज पत्ता है शायद। हाँ ये देखिए तेज पत्ता, ये देखिए पूरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसे ब्राउन होने तक भूंजा जाएगा। और अंकल देखिए पूरा अच्छी तरह से भूंज रहे हैं, अरे ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मीट जाएगा उसके ऊपर। लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट जा रहा है देखिए प्याज के साथ। ये देखिए आज तीखा रहेगा हल्का, तो मज़ा आएगा खाने में, थोड़ा तीखा मज़ा आता है। थोड़ा और डाल रहे हैं, काफ़ी तीखा होगा आज का मीट। देखिए मीट जल चुका है पोर्क मीट,
टमाटर भी गलने वाला है, ये देखिए। अभी आप लोग को सादा नज़र आ रहा है, थोड़ा देर में इसका कलर देखिएगा कितना सुंदर आएगा, तेल छोड़ेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। सो अभी देखिए इसे चलाया जा रहा है, ये देखिए। इसे अब ढक दिया जाएगा, आधा घंटा लगेगा लगभग। सो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। और इधर आंटी देखिए दोना बना रही है, सकुआ का पत्ता का दोना, ये देखिए पत्ता है और ये दोना बन रहा है, देखिए पूरा हाथों से बन रहा है, ये देखिए इधर बन गया दोना, ये ऐसे लगेगा देखिए बन गया। गाइस देखिए अभी मसाला जा रहा है, हल्दी जा रहा है, ये देखिए अब कलर आएगा थोड़ा देर में, देखिएगा। बहुत दिन से लोग चिकन ट्राई कर रहे थे, आज सोचे कुछ अलग करें, सो आज पोर्क बनवा रहे हैं। सो बहुत लोग तो नहीं खाता है, लेकिन आप लोग बस देखिए एंजॉय कीजिए वीडियो को, आप लोगों को खाने तो नहीं बोल रहा हूँ। सो देखिए कभी कभी अलग अलग ट्राई करना चाहिए ज़िंदगी में। सो देखिए आज पोर्क आप लोग को खिलाते हैं और दिखाते हैं। सो जो पोर्क खाते हैं उनका मुँह में तो पानी आ रहा होगा। सो देखिए पूरा बन जाता है फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन अभी देखिए पानी जा रहा है पकने के लिए, थोड़ा गलेगा मीट, ये देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है, देखिए पानी जा रहा है, ये देखिए। सो गाइस देखिए उधर पोर्क बन रहा है हम लोग का, और इधर चिकन बन रहा है, और देखिए पूरा खांसी छूट रहा है क्योंकि मसाला गया है, ये देखिए चिकन जा रहा है। इधर चिकन बन रहा है, ये देखिए इसमें नमक जा रहा है, ये देखिए नमक चला गया और इसे चलाया जाएगा, और ये देखिए गोटा टमाटर गया, ये बाद में गल जाएगा मिक्स हो जाएगा। और इधर देखिए पोर्क बन रहा है और इधर चिकन बन रहा है, ये देखिए पोर्क भी ढक्कन खुल गया है, और देखिए कलर पकड़ लिया है, ये देखिए कलर पूरा पकड़ लिया है। और कितना देर लग जाएगा? कितना? 5 मिनट और। ये देखिए मसाला जा रहा है, ये देखिए MDS मसाला जा रहा है, और अभी अंकल बोल रहे 5 से 7 मिनट और लगेगा। सो अब रेडी हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए ये चखने के लिए निकाल रहे क्या? ये देखिए थोड़ा सा चखने के लिए निकाल रहे हैं अंकल, ये देखिए 2-4 पीस, देखिए हम ले लेते हैं। सो भैया को चखाते हैं, खा के बताइए, टेस्ट कीजिए। कैसे है टेस्ट? खाने में व्यस्त है भैया। अच्छा बनाता, तीखा है। कसके बोलिए? अच्छा बना, तीखा थोड़ा तीखा है, तीखा तो आप ही बोले थे ना। सो गाइस भैया बोल रहे बहुत ही अच्छा है। सो गाइस देखिए बन गया है पोर्क मीट, और इसे चूल्हा से उतारा जा रहा है, कोयला का चूल्हा से। और इसे देखिए जो तभी आंटी बना रही थी दोना, इसी में डाला जाएगा अभी, ये देखिए पूरा सखुआ का पत्ता शुद्ध रहता है पूरा, देखिए अभी इसे निकाला जा रहा है, फिर हम लोग इसे ट्राई करेंगे। और देखिए कलर कितना अच्छा बन गया है पूरा, ये देखिए। चलिए अब इसे हम लोग खाते हैं और ट्राई करते हैं।
ये देखिए हम ले लिए हैं दोना पूरा। ये देखिए जा रहे भैया के पास जाते हैं, लीजिए अब इसको रख दीजिए ना इसी में, आप हम आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। सो गाइस देखिए दोना में तैयार हो गया है, ये देखिए आप लोग को पूरा जूम दिखा रहे हैं, कितना सुंदर देखिए मसाला पूरा मेल्ट हो गया है, ये देखिए पूरा मिल गया मसाला। सो गाइस आज का सेक्टर बाजार का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आज हम लोग चिकन भुंजवा करके आएँ और पोर भी भुंजवाएँ। सो आप लोग और किस बाजार का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।